लीजिए ना। और नहीं। कृष्णा थाली दे। मैं ले लूंगी, आप खाइए। अरे थोड़ा सा ले ले। नहीं नहीं और नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा सा और बस बस। अब बेटी जमुना, ऐसा लगता है इस बार कुछ गलत होने वाला है। परिस्थिति ठीक नहीं लग रही है मुझे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? ऐसा ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? जरा खुलकर बताइए ना क्या बात है। क्या बोलूं? गांव की जैसी स्थिति है। एक तरफ केदार राय है और दूसरी तरफ उनकी विरोधी उनकी बहू जमुना राय है। बाबा आप बहू भी कह रहे हैं और विरोधी भी कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा ना? उस भूषण को पहचानती हो ना? सब तो उसी का किया धरा है, जिद भी उसी की है और पट भी उसी की है, समझी ना? नहीं समझी? गांव के लोग अंदर ही अंदर साजिश रच रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगाने नहीं दे रहे और केदार राय के पास जाकर अच्छे बन रहे हैं। कह रहे हैं कि जमुना ढोली और गंगा ढोली फैक्ट्री नहीं लगने देना चाहते। देखना ससुर और बहू के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा, ये कोई जिंदगी है? मैं तुझे समझा रहा हूं बेटी, तू वापस अपने ससुराल लौट जा। वापस जाकर तू दामाद जी से बात कर, उन्हें समझा ये सब जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, बहुत गलत है। देख अभी भी वक्त है, तू अगर कुछ नहीं करेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बेटी। बर्बाद हो जाने दीजिए बाबा, पर ये बर्बादी मैं अपने अपने पति और ससुराल वालों तक नहीं पहुंचने दूंगी बाबा, किसी कीमत पर नहीं। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है बेटी? तू सोच भी नहीं सकती इस गांव के लोग कितने बुरे हैं। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है और यहाँ पर मीडिया वाले भी आ चुके हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है बेटी। दुर्गा पूजा आने वाली है, तेरे ससुराल में शादी भी है। मेरी बात सुन बेटी, देख तू अपने घर वापस चली जा, वहाँ जाकर दामाद जी को समझा बुझा कर बात कर, केदार राय के साथ बैठकर बात कर, सामने बैठकर बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख तू जितनी देर करेगी तेरे रिश्ते में उतनी ही दूरी बढ़ती जाएगी बेटी, उसके बाद तू कुछ नहीं कर पाएगी। ये केदार राय कभी नहीं झुकेंगे, खून खराबा हो जाएगा, तू अभी उन्हें पहचानती नहीं है। केदार राय भी मुझे नहीं पहचानते बाबा, वो भी मुझे नहीं पहचानते। आप ये सब क्या कह रही हैं दीदी? आप केदार राय के खिलाफ खड़ी होंगी, उनसे लड़ाई करेंगी? हाँ लड़ाई करूंगी, मैं लड़ाई करूंगी, लेकिन मैं जीत नहीं पाऊंगी। मतलब कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिसमें हम हार कर जीत जाते हैं। दीदी आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ससुर जी के सामने, मेरे पति के सामने मैं हारने के लिए तैयार हूँ। उस घर की बहू होने के नाते मुझे हार स्वीकार है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं जीतूंगी। मैं नहीं हारूंगी, किसी कीमत पर नहीं हारूंगी। मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों समझ नहीं आ रही? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं यही तो कह रही हूँ कि उस घर की बहू के नाते, केदार राय की बहू होने के नाते मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ बाबा। एक पत्नी होने के नाते मैं अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते नहीं बाबा। एक औरत होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते मैं जीतूंगी, जरूर जीतूंगी। इस केमिकल फैक्ट्री का मामला मैं निपटा कर ही रहूंगी, मैं जमीन नहीं दूंगी। उसके बाद सर उठाकर राय हवेली में जाऊंगी, सर उठाकर ही जाऊंगी, वरना मैं अपना चेहरा उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी भी नहीं दिखाऊंगी। भैया भैया देखिए देखिए आज न्यूज़पेपर में क्या छपा है। क्या
छपा है कि मशहूर उद्योगपति केदार राय किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और वहाँ फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया भैया, यहाँ जमुना ढोली का भी नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि केदार राय की विरोधी उनकी खुद की बहू है। ये सब तुम क्या कर रही हो रागिनी? क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, आग में घी क्यों डाल रही हो? अरे मैं क्यों घी डालूंगी, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। जो लिखा है मैं वही कह रही हूँ। अनु, अखबार मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अखबार दो मुझे। आप ये अखबार मत पढ़िए। मेरे ना पढ़ने से क्या होगा? सारी दुनिया तो पढ़ ही रही है ना कि बहू जमुना के साथ ससुर केदार राय की लड़ाई हो रही है। वो इतनी जिद्दी क्यों है? मैं जो कर रहा हूँ वो उन लोगों की भलाई के लिए ही है। वो जिद पर क्यों अड़ी है? वो एक मामूली सा जमीन नहीं छोड़ सकती? तो आप ही क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं पापा? और आपके पास तो बहुत पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं आपके अकाउंट में, इसके बावजूद आप नहीं छोड़ सकते? आपको इतने पैसों की क्या जरूरत? इसका जवाब क्या मुझे तुम्हें देना पड़ेगा? क्यों जवाब नहीं देंगे आप? आप मुझे जवाब क्यों नहीं देंगे पापा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आप इस घर की बहू के साथ आखिर झगड़ा कर क्यों रहे हैं? अब तो अखबार में भी सबके बारे में छप रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? चुप क्यों है आप पापा, जवाब दीजिए। वो क्या बोलेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सारी जिंदगी अहंकार किया है, जिद किया है। सारी जिंदगी माँ के साथ बस झगड़ा ही किया है। जमुना के आने के बाद दोनों में सुलह हुई, ये तो माँ का चेहरा भी नहीं देखते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया, पूजा तक नहीं करने देते थे। इस तरह के पुरुष, पुरुष जाति के नाम पर एक धब्बा है। कल्याण, जबान संभाल कर बात करो वरना पिटोगे तुम मुझसे। मारिए भैया मारिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे मारिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपसे प्रार्थना है, माँ के साथ आपने जो किया वो जमुना के साथ मत कीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ भैया, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। वो नहीं समझेंगे कल्याण, ये जिद्दी है, अहंकारी है। कैसे जीतना है, कैसे सर उठा के रहना है, बस यही आता है इन्हें। पर इस बार मामला तो बराबर का है और इस बार शेर को सवा शेर मिला है। अब तो मैं भी देखूंगी अब किस तरह जमुना को हराते हैं, अब कैसे जीतते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बहू के शरीर पर अगर एक खरोच भी आई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। दीदी। क्या? दीदी, लड़के वालों के यहाँ से कॉल आया था, कल महालया है ना, वो लोग यहाँ आने वाले हैं, यहाँ पर खाना खाएंगे। बस अब क्या, भैया आप जाइए, जमुना के पास जाइए, जमुना के पैर पकड़ के जमुना को इस घर में वापस लेकर आइए। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। उससे अगर बोलिए, चुप क्यों हो गए, बोलिए, उससे अगर, उससे अगर शादी टूटती है तो टूटने दो, यही ना आप यही कहना चाह रहे थे ना? ये आप क्या कह रहे हैं, शादी तोड़ देंगे मतलब? आप लोगों के जिद की वजह से क्यों? भैया वो लोग बहुत ही भले लोग हैं, अगर उन्हें जमुना के बारे में पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। आज के अखबार का आर्टिकल अगर उन लोगों ने पढ़ लिया तो पता भी है कि क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अखबार की खबर देखकर कुछ गड़बड़ हो गई तो। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? ये देखिए ना, अखबार में पता नहीं क्या खबर छपी है, उसी वजह से बहुत रो रही है। आपको पता है बड़ी मालकिन, इनके होने वाले पति ने इन्हें फोन भी किया था।
उसने क्या कहा तुझसे? वो जो अखबार में लिखा है ना, मशहूर उद्योगपति केदार राय और जमुना ढोली के बीच कोई विवाद हुआ है और गांव के किसान भी इसमें शामिल हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। हम लोगों को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और श्री को देखिए कैसे रो रही है। रो मत बेटा, रो मत। भैया देखिए ना ये कैसे आंसू बहा रही है, देखिए। आप कुछ कीजिए ना भैया। मैं उसे बहू के रूप में घर में नहीं ला सकता। हाँ अगर ढोली के रूप में आना चाहे तो आ सकती है। ये क्या बात हुई, ढोली के रूप में कैसे आएगी भैया? महालिया पर क्या ढोल बजाने आएगी? आप क्या पूरी तरह से पागल हो गए हैं? कल्याण सोच समझ कर बात करो। खेल तो जम गया है, पारिवारिक विवाद। तुमने मेरी चोरी पकड़ी थी ना जमुना, अब देखना देखना इस घर में लूट होगी। लूट, युद्ध छिड़ जाएगा इस घर में। कोई खुश नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। श्री, तुम्हारी जमुना भाभी को फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे ताऊ जी केदार राय को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस घर में तुम लोगों की हालत मेरी जैसी ही है। बस दो वक्त की रोटी मिल जाती है। रागिनी, तुम क्यों बेकार की बातें कर रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? उस बच्ची के मन में क्यों ये सब कड़वाहट भर रही हो? कुछ गलत नहीं कहा है बड़ी भाभी? क्यों आप क्यों मुझे बार बार रोकती टोकती हैं भाभी? मैंने तो कभी आपसे कुछ गलत नहीं कहा है। सभी को तो अपनी जिद से प्यार है। जमुना भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और भैया भी अपने जिद पर अड़े हैं। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। और उस पर सोने का सुहागा है, हमारी केमिकल फैक्ट्री। दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो गई है बड़ी भाभी, लड़ाई शुरू हो गई है। ये आग लग चुकी है। अब या तो ससुर के हाथों बहू मरेगी या बहू के हाथों ससुर जी मरेंगे। रागिनी, समझ नहीं आता मुझे, क्या तुम कभी अच्छी बातें नहीं कर सकती? हाँ, हर वक्त कूट चाल चलती रहती हो, ऐसा क्यों करती हो तुम? अरे आप बड़े लोग हर वक्त ऐसे झगड़ा क्यों करते रहते हैं बताइए तो? हर वक्त सिर्फ झगड़ा करते रहते हैं। हम लोग आप लोगों से क्या सीखेंगे बताइए? और श्री की शादी अच्छी तरह से क्यों नहीं होगी? बड़े मामा जमुना भाभी को क्यों नहीं लाएंगे बताइए? क्या हुआ भैया, इसकी बातों का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप चुप मत रहिए। मैं किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जाओ, सब लोग अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ, जाओ। और इस तरह शादी टूट गई तो? टूट जाए, टूटती है तो टूट जाए। देखना चाहता हूं तुम्हारी बहू के लिए उसका अहम ज्यादा जरूरी है या कर्तव्य। मैं देखूंगा कि तुम्हारी बहू की जिद जरूरी है या इस परिवार का दायित्व। देखूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है वो, बहुत बड़ी बड़ी। देखूंगा मैं। हेलो जमुना, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलिए। आज के अखबार में खबर देखी तुमने? नहीं तो? आज के अखबार में ये खबर आई है कि लिखा है कि प्रख्यात कारोबारी केदार राय का गांव में केमिकल फैक्ट्री लगाते हुए बहुत झगड़ा हो गया है।
किसानों के साथ मारपीट हुई है और पुलिस भी आ गई है वहाँ पर, और भी बड़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर बहुत कुछ लिखा है अखबार में। क्या कहा उसके बाद? उसके बाद और क्या, अखबार शायद श्री के वो ससुराल वालों ने भी देख लिया है। श्री के होने वाले पति ने फोन किया था कि वो लोग कल घर पर आना चाहते हैं मिलने। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में लड़का बहुत अच्छा है ना, परिवार भी बहुत अच्छा है, और शायद श्री भी उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फूल कार्ड ये सब लड़के ने भिजवाया है, अब समझ सकती हो ना, ये कम उम्र है, तुरंत प्यार हो ही जाता है। मुझे डर लग रहा है कहीं बेचारी का दिल ना टूट जाए। उससे भी ज्यादा डर लग रहा है ये शादी ना टूट जाए। क्या होगा क्या पता, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर मैं अब रखती हूँ। क्या हुआ, क्या कहा? बाबा, बाबा श्री की शादी टूट सकती है। ये क्या, अब तू क्या करेगी? तू उस घर की बहू है, तुझे कुछ करना चाहिए। दीदी, दीदी आप उसकी शादी टूटने मत देना। नहीं टूटेगी, तू चिंता मत कर, मेरी ननद की शादी नहीं टूटेगी, मैं टूटने नहीं दूंगी। और वैसे भी कल मुझे कुछ काम से शहर जाना भी है। क्यों? मेरा प्रोग्राम है पापा, नारी बैंड का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मुझे शहर जाना होगा बाबा अब। लेकिन आपकी ननद की शादी? कहा ना, नहीं टूटेगी। श्री की शादी होगी, नहीं टूटेगी शादी। बहू के तौर पर मैं हारने को तैयार हूं बाबा, लेकिन एक नारी के तौर पर मैं नहीं हारने वाली। मैं जीतूंगी, बार बार जीतूंगी। अरे सिउली, अरे सिउली कहाँ हो तुम? बाबा माँ पानी भरने गई हैं। ये क्या, वो अकेले ही नदी किनारे क्यों चली जाती है? क्यों, क्या हुआ बाबा? मैंने कितनी बार कहा है, गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। दुश्मनों की कमी नहीं है, और ये सब कुछ किया धरा उस भूषण भैया का ही है। ए, अकेले इस घर के बाहर तुम कदम भी मत रखना। बाबा ये बात आप कह रहे हैं? हाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटी, ये परिवार तो मेरा है ना, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। इस गांव के लोगों में इंसानियत नहीं बची है, जानवर सभी बदतर हो गए हैं, सब जालबाजी में ही लगे रहते हैं और लोगों के लिए चक्कर भी उरसते हैं। बाबा आप इतना डर क्यों रहे हैं बताइए तो? तू क्या कह रही है बेटी कि मैं डरूं क्यों नहीं? इस गांव को अच्छी तरह से देख, पूरा शमशान बन गया है, काटने को दौड़ता है। ये कुसुमपुरा पहले की तरह नहीं रहा, पहले की तरह। अच्छा बाबा मेरी बात सुनिए, आप ना शांत हो जाइए, इतना मत डरिए, मैं हूँ ना। मैं जानता हूँ बेटी कि तुम हो हमारे साथ, तू तो मेरी। बाबा दीदी बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, दीदी में बहुत हिम्मत है। जानता हूँ, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखेगी। मैं डरता इसलिए हूँ कि मैं बाप हूं ना, जब तुम लोग मां बनोगी तब ये बात समझोगी, बच्चों की मां बाप को कितनी फिक्र लगी रहती है। जमुना बेटी एक बात कहूं मैं, नाराज तो नहीं होगी ना? गुस्सा क्यों करूंगी बाबा, बोलिए ना। मैं सोच रहा हूं
तेरे ससुर जी ने जो कहा उस पर एक बार विचार करके देखूं। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? देख, मैंने हर पहलू को अच्छी तरह सोचा समझाया तभी कह रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी, ये अशांति मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर यहाँ इस झोपड़े में इस तरह रह रही हो। देखो बेटी, मैं कह रहा था कि बचपन से यही सीखते हुए बड़ी हुई हूँ मैं। अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों अपराधी होते हैं। मुझसे अपराध नहीं होगा बाबा, किसी कीमत पर नहीं। ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए, एक बार भी कहा क्या? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा है कि घर नहीं उजड़ने चाहिए, भले वो किसी का भी हो। लेकिन दीदी, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, बहुत ताकत है। तो क्या हो गया? पैसे हैं तो क्या हुआ? ये घर हमारी माँ की तरह है। इस घर में हम पले बड़े हैं, इसीलिए मैं इस घर पर आंच तक नहीं आने दूंगी, किसी हाल में नहीं। और बाबा आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे, तो आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरा ही साथ दूंगा। तू तो मेरी 10 भुजाओं वाली माँ है, तेरा साथ मैं कैसे नहीं दूंगा? मेरी तरफ देख, मैं जानता हूँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तू सबकी रक्षा करेगी, पर कभी अपने बारे में नहीं सोचेगी, एक बार भी नहीं सोचेगी तू। मैं जानता हूँ बेटी, तू ठीक नहीं है, तू अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। तू जहां भी रहे, जैसी भी रहे, पर तेरा दिल राय परिवार के लिए तड़पता है। मैं जानता हूं बेटी, कोई जाने या ना जाने, तेरी मां कहां चली गई देखता हूं। अरे शिवली, दीदी ज्यादा मत सोच, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। जब तक तेरी ये दीदी जिंदा है ना, तब तक तुम सबको संभाल कर रखेगी, सबको। मैं अपनों पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। श्री पल्लवी, अरे भाई कहाँ गए तुम सब? आज महालय है और सब अभी तक सो रहे हैं। ए, गीत, ये भी कहाँ लापता है? गीत, क्या हुआ चाचू, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं, आज महालय है, रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी चल रहा है, सुनना नहीं है? सो रही हो। और देखो, मैं और माँ सुबह सुबह ही जाग गए हैं। ये देखो जलेबी लाया हूँ, जलेबी। भाभी कहाँ है? रुको एक मिनट, भाभी। आखिर बात क्या है, आप चीख क्यों रहे हैं? भाभी को जलेबी देना है। इसलिए दीदी को बुला रहे हैं, ला ये मैं दे रही हूँ। ओहो, भाभी के लिए अचानक से ये प्यार हजम नहीं हो रहा। हर वक्त मजाक मत कीजिए, सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं, देख रहे हो ना? चुप ही करो, कुछ समझती ही नहीं हो। आ गए हाँ? मैडम जी, आप लोगों के भैया क्या कर रहे हैं, उन्हें बुलाइए जरा। कान में तेल डालकर सो रहे हैं क्या? भूल गए कि आज महालय है? हाँ? सुबह हमारी माता की प्रतिमा पर आंखें बनाई जाएंगी, हमारी पुरानी प्रथा है, उन्हें जाकर याद दिलाइए। हाँ, अच्छा गीत, हाँ? वो महिषासुर कहाँ है? कौन महिषासुर? केदार राय। हाँ? हमारी दुर्गा रूपी जमुना के साथ जो लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ है? क्या हो रहा है, धीरे बात करो। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, धीरे क्यों बात करूं? क्या मैं उनसे डरता हूं? डरता हूं क्या? चाचू चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, आप सोच समझ कर बोलिए। पापा, चीची क्या कर रही हो? सुन लो एक बात, समझ के रखो, अगर वो केदार राय हैं, तो मैं भी हूँ कल्याण राय, अगर वो महिषासुर हैं,
तो मैं भी तो हूँ ताड़ का सुर। हाँ। माँ गर्म जलेबी खाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं जलेबी नहीं खाऊंगी। जाओ तुम लोगों को दो। अच्छा, जाओ जाओ। तुमको नहीं, लोगी जलेबी खाओ। मैं बाद में खाऊंगी। चलो तुमको दही देता हूँ, ले लो। धीरे धीरे। और मुझे नहीं दोगे? कौन? मैं। गया काम से। भैया आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। लीजिए जलेबी खा। अरे नहीं नहीं, जलेबी मैं नहीं खाऊंगा। बहुत देर से खड़ा हूँ, मतलब जब तुम मुझे महिषासुर कह रहे थे ना, मैं तभी से खड़ा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा। और मैं भी मजाक में सबके सामने तुम्हारी पिटाई करूँगा। पिटाई मत कीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, सबके सामने पीटेंगे तो। माँ माँ ये सब ठीक नहीं है, देखिए ना भैया को, मुझे ऑब्जेक्शन है। देखिए ना भैया कैसी बातें कर रहे हैं। सारी जिंदगी तो आपने भैया को ही सपोर्ट किया है, आज तो मुझे सपोर्ट कीजिए क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पापा शुभ महालया। शुभ महालया। शुभ महालया। शुभ महालया भैया। शुभ महालय। हाँ शुभ महालय। चाचा जी ये देखिए, आपकी बेटी कल सारी रात अपने होने वाले पति के साथ चुपके चुपके बातें कर रही थी। क्या? हाँ नहीं नहीं, आप फालतू बात कर रहे हैं। फालतू बात बोल रहा हूँ? ये फालतू बात है। बिल्कुल गलत बात नहीं है। नहीं नहीं श्री, बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है। होने वाले पति के साथ शादी की बातचीत करना अच्छा है, वरना। वरना क्या चाचू? वरना जो होगा वो मेरी भाभी के हाल जैसा हो जाएगा। हाँ? मतलब पहले से बातचीत तो हुई नहीं, एक दूसरे को जाना नहीं, उसके बाद पता है वहाँ क्या हुआ, एक महिषासुर के साथ भाभी की शादी हो गई। कल्याण बेकार की बातें मत करो, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें। देख रही है माँ, देख रही है ना। अच्छा अब बस भी करो, ये झगड़ा बंद कर दो। तुम लोग तो अभी भी बच्चों की तरह झगड़ते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो आज लड़के वाले आएंगे, समझ गए ना? वही वो प्रतिमा की आंखें बनते देखने, पहले कभी देखा नहीं ना। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं श्री को अपने हाथों से तैयार करूंगी। सब तो ठीक है, पर सबसे जरूरी मेंबर तो यहाँ है ही नहीं, और अगर वो यहाँ नहीं रहेंगी तो बड़ी मामी तो पूजा में आएंगी ही नहीं। जब लड़के वाले पूछेंगे कि वो कहाँ है, तब आप लोग क्या जवाब देंगे उन्हें? वैसे ही अखबार में इतना कुछ छप चुका है। हाँ ये बात भी ठीक है। उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, जो सच है मैं वही कहूंगा। मैं कह दूंगा कि इस वक्त जमुना का हमारे घर में अब कोई वजूद नहीं है। वाह इतने शुभ दिन पर आपने कितनी अच्छी बात कह दी पापा। सच में तू क्या अपनी जिद में जमुना का वजूद ही मिटा देगा? हाँ अगर उन लोगों ने कहा जिस परिवार में इतना विवाद है, ससुर और बहू की लड़ाई चल रही है, बात अदालत तक पहुंच गई है, उस घर की बेटी से हम शादी नहीं करेंगे, तब क्या करोगे तुम? यही करोगे? कोई भी शरीफ आदमी इस तरह के परिवार से दूर भागेगा। अगर मेरी बेटी की शादी टूटी ना, तो फिर मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। छाया इतनी देर हो गई है, चाय कहाँ है, क्यों? अरे छोटे भैया हम जलेबी लेकर आए हैं, दीजिए दीजिए। अरे वाह बस एक लेना। अरे अजीब है आप तो। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। एक और दीजिए तो। वैसे छोटे भैया आप तो आज के दिन हमेशा ही जलेबी लाते हैं। अच्छा माँ आज तो प्रतिमा पर आंख बनाई जाएगी ना? हाँ और लड़का, लड़के की माँ, लड़के के पिता ये देखने के लिए आएंगे। हाँ अच्छा ही है, आने दीजिए।
परेशानी क्या है? परेशानी है रागिनी, परेशानी है, और मुझे पता है कि तू ये सब अच्छे से जानती है। मैं नहीं जानता था कि शादी के पहले ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। कैसी परिस्थिति? आप अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? पक्का आप सब सुनकर ही यहाँ आई हैं? सब कुछ जानती है ना आप, और हमसे पूछ रही है कैसी परिस्थिति? सुनो, मुझसे इस तरह बात मत करना। आपके साथ किस तरह बात करूं मैं? और आप सब बड़े लोगों ने ये क्या शुरू कर दिया है? क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब सारी गलती हम बड़ों की है, सब हमारी गलती है, और वो लड़की जो इतनी ढीठ है उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप चुप हो जाइए दीदी, आपके मुँह से इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। खुद तो दो जमीन खरीद के बैठी है। ऐ छोटी भाभी, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए, और मेरे साथ आप ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं। मैं जमुना नहीं हूँ जो सब कुछ सुनकर मुंह बनाकर सह लेती है। एक बात कहूँ छोटी भाभी, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, अपने गिरेबान में। ये सब हो क्या रहा है रागिनी, तमीज से बात करो। भैया मैं तो सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। भैया लड़के वाले अगर आना चाहते हैं तो उन्हें आने दीजिए, दिक्कत कहाँ है? आने दीजिए, उन्हें पता चलने दीजिए। हाँ उन्हें जानने दीजिए कि जमुना के साथ हमें कुछ परेशानी है। हाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, जमुना इस घर के लिए योग्य बहू नहीं है। अरे बाबा शादी हमेशा बराबरी में होती है, समझे? जमुना इस घर के लिए योग्य बहू नहीं है, शादी बराबरी वालों में नहीं हुई है, ये उन्हें जानने दीजिए। अगर संगीत, ओए क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? एक काम करो, लड़के वालों को सब कुछ बता दो, बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते ही हैं, इसमें बड़ी बात कौन सी है? शादी दो परिवारों के बीच होती है, उन लोगों ने शादी तोड़ दी तो? ये देखो, तोड़ देंगे, चाहेंगे तो तोड़ देंगे। क्या हुआ, इसमें परेशानी क्या है? आप लोग ऐसा कर रहे हैं मानो जैसे लड़कों की कमी हो गई हो। अरे क्या हो गया, लड़के नहीं मिलेंगे क्या? बड़ी बुआ सुन लीजिए, श्री को लड़का पसंद है, समझ गई आप? रागिनी तेरी बेटी की बात होती तो तू ऐसा कहती? मुझे विश्वास है तू ऐसा नहीं कर। तेरी लड़की के लिए ऐसा होनहार लड़का मिलता ना तो तू जमुना के पैरों में गिर जाती। हाँ पर तुम समझ भी कैसे सकती हो, हमेशा से स्वार्थी जो रही। भैया हाँ मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, सीधी सादी बात तुझे समझ नहीं आती, समझने की कोशिश भी नहीं करती। मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं तो बेटी का पिता हूँ इसलिए उनको आमंत्रण दे बैठा हूँ। वो लोग आएंगे, प्रतिमा की आंख बनते देखेंगे, उसके बाद खाना पीना होगा, उसके बाद हमारी क्या हालत होगी ये सच में पता नहीं। और श्री तेरी शादी एक जुआ बन गई है, जानती है? शादी हो भी सकती है और बात भी तो चुप रहेगा भैया। एक बार भी जमुना भाभी को तू फोन नहीं करेगा, उन्हें घर आने के लिए नहीं कहेगा?
अगर जमुना को जरूरी लगेगा तो आएगी। मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए। मैंने जमुना से ऐसा कभी नहीं कहा कि आधी रात को मेरे पास से उठकर बिना किसी कारण के इस घर को छोड़कर चली जाए। मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि वो हर बात मुझसे छुपाए। मैंने उसे कभी कुछ भी नहीं कहा। अच्छा है, तेरी बातों से समझ आ गया कि तू लड़के वालों को बड़ी आसानी से कह देगा कि जमुना तेरे काबिल नहीं है। तू उससे प्यार ही नहीं करता था और ना ही उससे शादी करना चाहता था। और ये भी बोल सकता है कि वो तो तेरे काबिल ही नहीं थी, इसीलिए घर से निकाल दिया। और तुम्हारे इस काम में मदद की तुम्हारे पिता इस केदार राय ने। केदार राय यही घटिया आदमी। विंध्यवासिनी देवी खबरदार, एक शब्द भी मत बोलना। जमुना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे लगता है जमुना भाभी को एक बार घर में बुलाना चाहिए। शादी की तारीख तय हो गई है, सब कुछ अच्छे से तय हो गया है, और अगर घर की परेशानियों की वजह से अगर शादी टूट गई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा बड़े मालिक। हाँ, अच्छा अच्छा, जमुना भाभी को फोन लगा के आप मेरी बात करवाइए ना, मैं बात करूंगी। असल में मैं गरीब घर की हूँ ना, और जमुना भाभी भी गरीब घर की है, इसलिए जमुना भाभी मेरी बात सुनेगी, जरूर सुनेगी, वो मेरी बात सुनेगी। आप फोन लगा के दीजिए, हाँ मुझे फोन लगा के दीजिए ना, हाँ दीजिए ना। हेलो जमुना, मैं चाची बोल रही हूँ। आज महालया है, मूर्ति पूजा शुरू होने वाली है, तुम आओगे ना घर? दीजिए ना, मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी ना उनसे। हेलो जमुना भाभी, भाभी आप वापस आ जाओ ना, पता है आपको श्री दीदी के होने वाले पति बहुत अच्छे हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा परिवार है, हाँ सच्ची, आप वापस आ जाओ ना। आप अगर वापस नहीं आई ना तो शायद बड़ी परेशानी हो जाएगी भाभी।